स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर आर्ट माइंड। सो ओपन नंबर पेज नंबर 4 इन योर आर्ट माइंड बुक। सो सी स्टूडेंट्स, हियर इज द एक्टिविटी शेप्स एंड ऑब्जर्वेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए लिखा है ऑब्जर्व द बेसिक शेप्स इन द पिक्चर। हमें क्या करना है, इन बेसिक शेप्स को ऑब्जर्व करके यहाँ पर ड्रॉ करना है इस पिक्चर में। ओके अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द ड्राइंग इन द पिक्चर इज शोन ऑन द अदर साइड एंड कलर इट यूजिंग क्रेयॉन फॉर कलरिंग। हमें क्या करना है, इस ड्राइंग को कंप्लीट करना है इस पिक्चर को देखकर, और इसके अंदर हमें क्रेयॉन कलर्स का इस्तेमाल करना है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ से हमारी आर्ट मिसिंग है वहाँ वहाँ से हमें उसको कंप्लीट करना है। एक साइड ये, यहाँ आप स्केल का इस्तेमाल कर लें, या अगर आपका हाथ अच्छा है तो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, नो इशू। अब आगे आइए और देखते हैं यहाँ हमारी क्या चीज़ मिसिंग है। जस्ट हमें यहाँ से ये गोल सर्कल बनाना है और ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट। ड्राइंग कंप्लीट हो गई लेकिन अभी हमारी कलरिंग रहती है, तो आइए कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। आपको क्रेयॉन्स का इस्तेमाल करना है। ओके सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें लेना है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का इस्तेमाल हमें इन ट्रीज के अंदर करना है, अगर ये नहीं तो आप इसके अंदर डार्क ग्रीन कलर यूज़ कर लें। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ग्रीन कलर इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके जैसे मैंने दोनों का मिक्स कर दिया है, आप चाहें तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके ये हमारा एक ट्री रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से बिल्कुल आपको इसी तरीके से आपको दूसरा भी बनाना है। उसके बाद आप यूज़ करेंगे ब्राउन कलर ट्री के ट्रंक में इस्तेमाल करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा कलर बाहर ना जाए, और अगर चला जाता है तो हमें इसको इरेज करना चाहिए। ओके अब यहाँ पर आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर कर लें, जैसे कि मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ। लाजमी नहीं है कि आप वही कलर करें जो ऊपर किया हुआ है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्लू कलर। यू कैन डू एनी कलर एज यू वांट। अब अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर ब्लैक कलर कर दें। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, जैसे हमारे पास जो ब्रिक्स के शेडोज़ दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लाइंस लगी हुई हैं, तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर ब्रिक्स बनानी है लाइंस लगाकर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
एंड नंबर फोर, जितनी लाइंस आपसे आ सकें आप उतनी लाइंस लगाएं और फिर यहाँ पर ब्रिक्स बना दें। लाइन नंबर वन में एक लाइन लगाएं, फिर सेकंड को छोड़ के थर्ड में लगाएं, फिर फोर्थ को छोड़ के फिफ्थ में लगाएं, फिर यहाँ पर सेकंड रो में लगानी है फर्स्ट को छोड़कर, फिर थर्ड को छोड़कर फोर्थ में लगानी है और फिर फिफ्थ को छोड़ देना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये पूरी वॉल बनानी है। अब आप इसके अंदर लाइट लाइट ये कलर कर दें। पहले आपको कलर करना है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड और फिर उसके बाद इन द सेंटर। और अब स्टूडेंट्स साइड में जो ये जगह बनी हुई है इसमें यहाँ कलर नहीं किया हुआ, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलर कर दें, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज का काम हमारा यहाँ पर फिनिश होता है और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।